राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और 9 बार चुनाव लड़ चुके, 4 बार एमएलए और सांसद रह चुके, हाड़ौती ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के दलितों और आदिवासियों के बहुत कद्दावर जन नेता रामनारायण मीणा जी के साथ आज हम हैं। मीणा साहब, आपका शून्यकाल में स्वागत है। ये बहुजन मीडिया है, बहुजन की आवाज को मजबूत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये जानकर के बहुत खुशी हुई कि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, लेकिन आपने अपना पूरा राजनीतिक जीवन जो है गैर रिजर्व सीटों से आपने चुनाव लड़ा और आप जीते हैं, तो ये कैसे संभव हुआ कि एक सुरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनरिजर्व सीट से जीत करके पहुंच पाए? ये आज की राजनीति में कैसे संभव हो? मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझसे संपर्क किया। बहुत सी बात है, राजनीति में कुछ लोगों को छोड़कर के दीदियों का त्यौहार करने में धर्म आता है। मैं गांव में पैदा हुआ, कच्चे आने में खेला और पढ़कर के आगे बढ़ने की कोशिश की तो लगा कि कॉलेज की राजनीति में आना चाहिए। मैं कॉलेज यूनियन का बूंदी डिग्री कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा हूं, वहीं से राजनीति का बड़ा। लेकिन मैं खुद भी सोचता हूं कि शायद राजस्थान में 9 मरतबा सामान्य सीट से चुनाव लड़ने वाला वंचित वर्ग का, आरक्षित वर्ग का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति कोई बड़बोलेपन वाली पार्टी में होता तो शायद उसको अलग नाम दिया जाता। ये भी सही है कि मुझे हर बार टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो वो लोग जो आरक्षित वर्ग के पक्ष में सोचते हैं उनकी तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये राजनीति का बड़ा अजीब है कि ये मुझे कैसे मिला। तीनों पार्लियामेंट के चुनाव में इसलिए लड़ पाया कि कोटा में मेरे समाज के लोगों की नहीं, पूरा कोटा जनसंघ में था, कोई उम्मीदवार नहीं था। तो मुझे चुनाव लड़ाया गया इसलिए कि ये भी हार जाएगा, कम से कम समाज में कहने को मौका मिले। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि पहली दफा मुझे 685 वोट से तत्कालीन बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री मुझे हराने की कोशिश कर की, बाद में जनता ने मुझे जिता दिया। और 1999 में सबसे कम वोटों से राजस्थान में हारा, लेकिन ऊपर मेरा गणित जो है वो नहीं बैठ पाने से, या मैं साधारण श्रेणी का परिवार का होने से मेरा टिकट काट दिया। जिसको टिकट दिया पार्टी ने, जिसको सिंबल दिया, वो बुरी तरह हारा। मुझे शायद चुनाव लड़ाते तो फिर जीतते। इसलिए अब तो स्थितियां बहुत बदल गई है, लेकिन मैंने 5 जिलों से चुनाव लड़ा है और वहां की जनता मुझे जानती, पहचान तो सब जानती है कि दुखी, पीड़ित और शोषित वर्ग के हित में सोच सकते हैं। मेरा साहब, आपकी जो प्रतिबद्धता है वो दलित आदिवासियों और किसानों और तमाम लोगों के प्रति जगजाहिर है, और आप बहुत मुखरता से बोलते भी हैं और पूरे राज्य भर में निरंतर आप दौरा करते हैं, तमाम जिलों में आपके लोग हैं जो आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। इन सारे अनुभवों के आधार पर और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दलित लीडरशिप है, आदिवासी लीडरशिप है, वो कहीं कहीं कोई कोई प्रायोजित करता है, और रिजर्व सीटों के तो हाल ये हो चुके हैं कि वहां अन्य कैटेगरी के लोग अपने जेबों में उम्मीदवार लेकर के घूमते हैं। तो ये जो रियल पॉलिटिकल लीडरशिप उभरनी चाहिए वर्गों में, वो लीडरशिप उभर करके बाकी जगहों पे नहीं आ रही है। और एक तरफ आप हैं कि आपने बिल्कुल जहां रिजर्व सीट नहीं है वहां से भी आप जीत करके आए हैं, तो कैसे तुलना करते हैं और कैसे ये संभव होगा कि रियल लीडरशिप उभरे इन वर्गों में? क्योंकि मेरा उठाव जो है, मैं आज इधर ही हमारे बीच में नहीं है। 1977 में जब राजस्थान में 13 सीटें खाली रही थी, यदि मुझे मैं चुनाव लड़ने से मना करता तो 14 सीट खाली रहती, तब मुझे नया से चुनाव लड़ाया। वो इंदिरा जी थी जो हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लोगों को सम्मान करती थी, बहुत उनका नाम आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे 1977 का चुनाव लड़ाया। मेरा दुर्भाग्य था कि 1980 में भी
पार्टी की लीडरशिप ने मुझे मौका नहीं दिया, पीछे से नहीं दिया। 1990 में जब राजस्थान में मात्र 51 सीट मिली तब मुझे मौका दिया और कोटा संभाग से मैं अकेला जीत के निकल गया, तो लोगों को आश्चर्य हुआ क्योंकि आम जनता उनके बीच के आदमी को चाहती है। आज भी मैं तो कांग्रेस की लीडरशिप से अर्ज करूंगा कि जो कुछ लोग हाईकमान की उसमें ऐसे बैठे हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये माननीय राहुल जी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस कमजोर क्यों हो रही है। आज भी थोड़ी पॉलिसी हम बदल लें और आदमियों को ठीक आदमियों को आगे बढ़ा दें, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में कांग्रेस अच्छी पार्टी आज भी नहीं है, ये विश्व में भी सबसे अच्छी पार्टी है। वंचित वर्ग के हितों की रक्षा करना और दूसरे समाज को साथ लेके चलना। मैं चुनाव लड़ा कोटा में, उच्च वर्ग के लोग मेरे को प्यार करते थे, करते रहे और आज भी करते हैं। तो ये आपकी भावना, आपका काम करने का तरीका है जो सबको जोड़ता है। मैंने जब पार्लियामेंट मेंबर उस टाइम पे टेलीफोन बूथ कमेटी का बहुत महत्व होता था या इसी पे चलती थी, उस जमाने में मैंने एक मेंबर पार्लियामेंट मेंबर की अधिकार का होता था, उस बूथ कमेटी में मैंने एक माइनॉरिटी का आदमी को सदस्य बनाया। हालांकि कुछ लोग नाराज हुए लेकिन उससे मुझे ग्रेस मिला, वो ये मैसेज दिया कि जो समाज माइनॉरिटी जो है वो कांग्रेस को चाहती है उसको महत्व रामनारायण मिला। मेरा साथ पूरे देश भर में भी और राजस्थान में भी, खासतौर पे जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ये देखा जा रहा है कि लंबे समय से जो दलित और आदिवासी वर्ग है वो कांग्रेस से कट रहा है, दूर जा रहा है। और एक तो इसकी क्या वजह पाते हैं आप, और दूसरी बात यह कि क्या कांग्रेस में इन वर्गों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित हो पा रही है? देखिए कारण है और गहन कारण इसको सब जानते हैं। आज कोटा पार्लियामेंट में, मैं जातिगत बात नहीं करता ना कोई मानते मेरी, मैं कहता हूं जिस कास्ट के पास सबसे ज्यादा वोट है पार्लियामेंट में सिंगल कास्ट के, उसको दोनों पार्टी टिकट नहीं दे रही है, इसलिए कि वो रिजर्व क्लास में आती है। तो ये भावना पैदा हो रही है कि सर रिजर्व क्लास के आदमी को वोट नहीं दे। रिजर्व क्लास ने जिस दिन सोच लिया कि हम जो हमारे खिलाफ सोचता है उसको वोट नहीं देंगे तो उनकी क्या दशा होगी, रिजर्व क्लास तो मेहनत मजदूरी करके जिंदा रह जाएगी, मजबूती से जी जाएगी। राजनीति में आगे बढ़ने की बात होगी तो सब लोग मिलकर तो आगे भी बढ़ जाएंगे, थोड़ा देर खत्म हो गया तो। लेकिन ऐसे लोग पार्टीज में बढ़ रहे हैं, यही कारण है कि दक्षिण भारत में ये मैसेज जा रहा है कि जो सदियों से पीड़ित रहे हैं, जातिगत प्रथा के आधार पर जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई होने से समाजवादी समानता या जाति के आधार पे राजनीति नहीं करने की जो नेता बात करते हैं वो मन से जाति की बात क्यों करते हैं, ये सब लोग जानने लगे। इसलिए कमजोरी आ रही है। कांग्रेस का सिद्धांत कहता है, मैनिफेस्टो भी कहते हैं और उसकी रीति नीति नहीं, उसकी जो वाउचर है वो भी कहता है कि कांग्रेस जातिहीन पार्टी, लेकिन उसकी सोच में कुछ लोगों के कारण जो भ्रांति आ रही है, यदि राहुल जी ने समझ लिया तो राहुल जी को अगला प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी 2 तारीख को जब आंदोलन हुआ वंचित वर्ग के साथ जात्यागीर, आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर कैसे दे सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो? आप पार्लियामेंट कर दीजिए, रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कोर्ट रूम को आधार बना करके यदि कोई भी देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या कोई भी यदि ऑर्डर देगा तो पता चल जाता है। और ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ा समाज जो आज हिंदुस्तान में, उसमें से राजस्थान हाईकोर्ट में कोई जज नहीं है वंचित वर्ग का, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? ये चीज दक्षिण भारत में भी सोचने लग गई, यहां भी सोचने लग गए। और क्या कारण है कि ऐसे नेताओं को प्रवेश मिल रहा है जो वंचित वर्ग के हितेशी नहीं है? वंचित वर्ग इन बातों को समझने लग गया है, इसलिए देश में एक उठापटक हो रही है और उठापटक 2 तारीख हुई है। लेकिन इससे बड़ा घृणित काम यह हुआ कि जो शासकीय दल आज की तारीख में है उसने उन समाज के कार्यकर्ताओं को बिना बात फर्जी झूठे मुख में लाद करके जेल में डाला गया, इसलिए लोग डरे हुए हैं। लेकिन उनको पता चल गया है कि जो राज कर रहे हैं वो हमारे हितेशी नहीं,
हमें दुश्मन मान के चलते हैं, वो हमारे दुश्मन है। 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद यहाँ की राजस्थान की और पूरे देश की जो राजनीति है उस पर कोई असर महसूस करते हैं आपकी, ये कोई बदलाव होगा इससे? क्योंकि जिस तरीके से ये लोग सड़क पे आए, और मैं जहां तक सोचता हूं कि राजस्थान में चाहे SC के लोग हों चाहे ST के लोग हों, पहली मर्तबा ये देखा गया है कि दोनों समुदाय तमाम तरह के मतभेदों को अंतर विरोधों को भुलाते हुए सड़कों पर एक साथ थे, तो इनकी जो ये एकता बनी है क्या ये राजनीति को प्रभावित करेगी? देखिए, मैं पहली बात तो ये अर्ज करना चाहूंगा आपसे, दलित वर्ग में, वंचित वर्ग में, आदिवासी समुदाय में कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं है, मन भेद नहीं है। कुछ नेताओं के दिमाग में भ्रांति हो सकती है, ये एक है। और हमारे जैसे आदमी जो सभी की मिलाकर के मीटिंगें किया करते थे, कुछ लोग तो जिंदा है, हालांकि हम बहुत कम लोग रह गए, हमारे साथी चले गए, लेकिन आज भी राजस्थान में ऐसे लोगों के साथ एक सोच जो है वो देश हित की मिलेगी, समाज हित की मिलेगी। और 2 तारीख के बाद ये बात तो सही है कि अपना अपना होता है, इस भावना से भी वंचित वर्ग चला तो पार्टीज को इनको महत्व देना पड़ेगा। आज मैं आपको बताता हूँ, जिस जगह पे दोनों वर्ग के मिलाकर के 50% के बराबर वोट है, वहां कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। उन्होंने सोच लिया कि मैं तुम्हारा आदमी जिताना है तो फिर क्या होगा? इसलिए पार्टीज को सोचना चाहिए, इन लोगों का भी अधिकार है, उससे वंचित नहीं किया जाए। और जो वंचित करेगा, यदि भावना बन गई लोगों की, तो खुद राजनीति से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि इनके बिना, इनके पास वोट है, नेताओं के पास वोट नहीं है। और ऐसे भी नेता बैठे हैं जो खुद के परिवार के वोट भी दूसरी पार्टी को दिलाते हैं और खुद नेता बन जाते हैं, तो ऐसे नेता कमजोर होना चाहिए, तो देश की राजनीति की शुद्धता बढ़ेगी। और देश में जो आज गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, उनको प्रताड़ित होना पड़ रहा है, छोटे छोटे दुकानदारों की स्थिति जो खराब हो गई है, वो इस वर्ग के आदमी आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, चीन हमारी तरफ आंख उठा के देखने पड़ेगा, इसी स्थिति में बन जाएगी। आप इतनी मुखरता से बोलते हैं, इसका राजनीतिक नुकसान नहीं होता? देखिए, हम नेहरू जी को याद करें, कोई कह के सारे पार्टी के खिलाफ बोलता है, उसको चित नहीं आता। मैंने विधानसभा में भी कहा है, नेहरू जी की सोच थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पंचायत राज कोऑपरेटिव को मजबूत किया जाना चाहिए, और कोऑपरेटिव उनकी थीम थी, उनका आधार था कि मूल से ज्यादा ब्याज थे। आज बैंक किसान को बर्बाद कर रहा है, 50,000 करोड़ रुपए तक के सेठों के लोन, पूंजीपतियों के लोन, इंडस्ट्रीज के जो है NPA, उसको खारिज करने का अधिकार बैंक के मैनेजमेंट बोर्ड को, ज्यादा को खारिज करने का अधिकार केंद्र सरकार को। आज जो बीजेपी सरकार है, मोदी जी है, वो गरीब का लोन माफ कर रहे हैं तो बहुत छोटा कहीं ना कहीं दिखाने को, लेकिन पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपया माफ करना इस देश को नीचे ले जाने के बराबर है। तो ये बात मैं कहूंगा कि नेहरू जी की थीम पे मैं चलना चाहिए, तो कोई गलत नहीं। यदि पार्लियामेंट में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी 1:10 का रेशो होना चाहिए गरीब के मरीज में, तो 1:10 का रेशो होना चाहिए, कितनी अच्छी बात लगी उस टाइम में। यदि ये बात मैं कहूंगा कि हमारी थीम थी, नेहरू जी की भी भावना थी कि गरीबी अमीरी में दरार बड़ी नहीं होनी चाहिए, सिमटनी चाहिए, एक होनी चाहिए, ये बात मैं कहूंगा तो लोग इसी में नाराज हो जाएंगे, इसी बात क्यों करते हो, तो सिद्धांतिक बात है। ये तो हिंदुस्तान की समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सभी लोगों को साथ लाने के लिए बात है, वो करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए, इसका कुछ भी नुकसान हो, कितना भी कोई नाराज हो, हम नेहरू जी को नहीं भूल सकते, इंदिरा जी को नहीं भूल सकते, देश की आजादी को नहीं भूल सकते। ये तो हमारा अपना लक्ष्य था, उसको कैसे भूल सकते हैं? ये कहा जा रहा है और ये महसूस भी हो रहा है कि SC और ST का जो वर्ग है वो संविधान को बदलने की बातें, रिजर्वेशन पर जो बार बार प्रहार हो रहे हैं, और एट्रोसिटी एक्ट को जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में निष्प्रभावी बनाया गया उसको लेकर के बहुत नाराज हैं। तो इससे लगता है कि नाराजगी बीजेपी के प्रति रोहित वेमुला से लगा करके अब तक बढ़ती ही जा रही है, लेकिन क्या कांग्रेस से खुश है ये वर्ग?
देखिए, मैं पहली बात तो सच करना चाहूंगा और स्पष्ट है, इसमें कोई बात नहीं। यदि कोई जज भी, कोई न्यायालय भी, या कोई अधिकारी भी, पुलिस का अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, उसकी मानसिकता वंचित वर्ग के आदिवासी के खिलाफ रखकर के फैसला देने की है, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, यह हमारा पार्लियामेंट में पास किया हुआ है इस एक्ट में। एक भी केस रजिस्टर हुआ, सैकड़ों केसेज है आज कोर्ट में। यदि इस भावना से दिया जा रहा है, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहा है, दूसरों के प्रति कैसी कोई बात होती है तो देश में बड़ा एका हो जाता है, तो इसमें कोई क्यों नहीं बोल रहा। 2 तारीख को मैं आभार व्यक्त करता हूं राहुल गांधी जी का, उन्होंने लोगों से कहा कि दलित आदिवासी के साथ, वंचित वर्ग आदिवासी के साथ न्याय हो रहा है, इसलिए हम उनके धन्यवाद देते हैं, उनका एहसान मानते हैं। बाकी दूसरे नेता क्यों नहीं बोले, बीजेपी की पार्टी ने बात क्यों नहीं की, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था करके आप धर्म को तोड़ रहे हो। और ये जिस तरह के संगठन हो रहे हैं, वो संगठन देश में हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं, जाति की व्यवस्था बना करके। इसलिए ये कहा जाए कि साहब हिंदू का मुंह है, ये जो है पीला लाल कपड़ा वो मैं भी पहन सकता हूँ, कोई पहन सकता, उनसे ज्यादा हम विश्वास करते हैं, लेकिन इस जातिगत व्यवस्था के आधार पर किसी को वंचित किया जाए, उसको तिरस्कृत किया जाए, तो वो सोचेगा। ये आज वंचित वर्ग के आदिवासियों के दिमाग में भावना आ चुकी है कि हमें जानबूझ करके कमजोर किया जा रहा है और कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। जब कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, फिर आज उसको कोर्ट ने जो खामी उसमें बताए उसको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा। इसका मतलब है कि ये जिस तरह की दोस्ती चल रही है, जिस तरह से भावना चल रही है, वो देश के लिए हितकारी नहीं है। मेरा सब राजस्थान में बहुत चर्चा है कि कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करेगी, आपको लगता है कि राजस्थान में बसपा के साथ कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए, क्या वो मुफीद रहेगा, लाभदायक रहेगा? देखिए, बसपा काशीराम जी भावना के आधार पर बनी है, काशीराम जी नहीं है, आज वो बसपा भी नहीं है, काशीराम जी की भावना में भी मिला हूं, सिंह बंदवा, काशीराम जी की भावनाएं होती तो बसपा होती। इसलिए कांग्रेस को अपने भावना रखने वाले लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये वंचित वर्ग जिसके खातिर हम समझौता कर रहे हैं वो तो ऑटोमेटिक कांग्रेस साथ आना चाहता है, लेकिन करे क्या, उनको बसपा देखती है क्योंकि उसमें उनके समाज के लोग ज्यादा है, लेकिन वहां भी मिसाली जैसे लोग बैठे हैं, इसलिए शक होता है मतदाताओं में। समझौता करने से मतदाता खुश नहीं होंगे, वो तो वोट भी दे देंगे। तो राजस्थान में ये फाइनल है, अंतिम है कि वर्तमान सरकार केंद्र की राज्य सरकार से त्रसित है, ग्रसित है, दुखी है, पीड़ित है। सरकार तो राजस्थान में कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस बनाएगी बनाएगी, लेकिन कांग्रेस ने अच्छे कैंडिडेट दिए, समीकरण ठीक किया और वंचित वर्ग के इनके लोगों का भी ध्यान रखा, लेकिन तो निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत अच्छी मेजोरिटी से आएगी, 2/3 से ज्यादा भी आ सकती है, जो 21 सीट आई उससे कम बीजेपी रह सकती है। लेकिन कांग्रेस 21 क्यों आए, ये मंथन आज दिन तक हमने नहीं किया, यदि वो मंथन हम कर लेते तो आज बसपा से संबंध की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस आएगी वंचितों के वोट से, उन्हीं वोट ज्यादा दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के वोट से, लेकिन जब नेतृत्व का सवाल आएगा तब ये वर्ग कहां होंगे? ये ही बड़ी बात है, कांग्रेस राजस्थान में वंचित वर्ग का मुख्यमंत्री दे चुकी है तो कांग्रेस आगे बढ़ी। देश में बड़े बड़े पदों पे दे चुकी है, आगे बढ़ी, शंका क्यों हुई, वो शंका दूर हमारे जैसे कार्यकर्ता, लेकिन हम तब कर पाएंगे जब पार्टी के बड़े लोगों से राय करके। तो आज मैं कहता हूं बीजेपी तो कल ही खत्म हो सकती है, इसी चुनाव में खत्म हो सकती है, मैं गांधी के साथ कहता हूं, बीजेपी के बड़े से बड़े नेता से बात करता हूं, मैं उनके प्रधानमंत्री से बात कर सकता हूं, तुम कहां गलती कर रहा हो। हमें ईमानदारी से बोलना पड़ेगा दुखी और पीड़ित के साथ, दुखी और पीड़ित कौन है, वो आपके साथ आ गया तो ज्यादा दुखी और पीड़ित हिंदुस्तान में कौन है। मुट्ठी भर उद्योगपति आज खुश हो रहे हैं नोटबंदी से, जीएसटी से,
तो फिर छोटे व्यापारी दुखी और पीड़ित व्यक्ति क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों लाइन में लग रहे हैं? आज किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको क्षतिपूर्ति राज्य सरकार नहीं दे, किसी ज्यादा घंटे काम क्या हो सकता है? एसडीओ तक नहीं जा रहा, जबकि एक भी आत्महत्या का जिससे आमदनी नहीं होने से या कर्ज के आधार पर मरा होगा तो राजस्थान का है, मैं तो मुख्यमंत्री गया होगा। आज मुख्यमंत्री की छोड़ो, मंत्री की छोड़ो, एमएलए एमपी की छोड़ो, तहसीलदार नहीं जा रहा। तो ये भावना क्या प्रदर्शित करती है, इसी के आधार पर राजनीति चलेगी चलेगी। फिर से मैं आपसे वही सवाल दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस जो मीडिया में आता है कि कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर के काफी रसाकसी जैसा मचा हुआ है, और अभी तक जो चेहरे नजर आ रहे हैं, जो मीडिया जिनको बता रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें कोई भी वंचित वर्ग से चेहरा नहीं दिखाई देता है। तो क्यों वंचित वर्ग के लोग टूट करके दिल से कांग्रेस के साथ जाएंगे? क्योंकि जो कल मुख्यमंत्री बनने वाले लोग हैं जिनकी बातें की जा रही है, उनका क्या जुड़ाव है या उनका क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से वंचित वर्गों को उन समुदायों से मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना थंपी बोर्ड उधर डालना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है राहुल जी हमारे फाइनल थर्ड, उनका मन साफ लगता है कि वो पीड़ित दुखी और वंचित वर्ग आदिवासियों के हित देखने वाले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, लेकिन पहले से इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने जातवाद का जहर घोल दिया है, इसलिए पहले से यदि डिक्लेयर कर दे तो फिर जातवाद का जहर ज्यादा घुलेगा। इसलिए वो ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहते हैं, वो चुनाव के बाद होगा, उसमें कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा है साहब, फलाने को मुख्यमंत्री बनाओ, फलाने को मुख्यमंत्री बनाओ, ये गलत है। यदि कोई भी लीडर इस तरह की बात करता है तो कांग्रेस का प्रदेश का हितैषी नहीं। आप चुनाव लड़ेंगे और किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं पार्टी में मजबूत नहीं हूँ, मैं आज की तारीख में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का भी मेंबर हूँ। मैं सीनियर आदमी हो सकता हूँ, वरिष्ठ आदमी हो सकता हूँ, जनता मुझे चाह सकती है और दुखी पीड़ित के पक्ष में बोलने वाला आदमी, और किसान की बात तो हमेशा क्लियर करता हूँ और करूंगा। और कांग्रेस में मेरा चार दफा चुनाव नहीं लड़ने का हुआ, मुझे पार्टी ने नहीं कहा कि चुनाव लड़ो, तब भी मैंने कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं सोचा। नहीं तो ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको छोटे से चुनाव में मना कर दिया तो पार्टी छोड़ के चले गए, दूसरे तो बड़े तरह में आ गए। ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें एनर्जी के खिलाफ बोला, ऐसे लोग भी बैठे हैं जो राजीव के खिलाफ बोलते थे, वो मैं नहीं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी सीट पर लड़ाएंगे तो चार जगह ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे। वो नेता क्या करेंगे, मुझे नेता बनने का मौका नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, नेता ही जाने पार्टी आई कमान जाने। बाकी मैं औरों से कमजोर नहीं हूँ इस स्थिति में, लोगों का साथ लेने में देने में, मैं पार्टी के हित में काम करने वाला हूँ। और इसी पार्टी में शुरुआत हुई है क्योंकि नेहरू जी से मिलने वाला आदमी हूँ, तो अब तो मैं दूसरी बात सोच नहीं सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं रामधन तो होगा, मुझे पार्टी चुनाव लड़ाएगी, तो मैं आपकी भावना का ध्यान रखूंगा, बंद करके उन लोगों के हित में बोलता आया हूँ, बोलता रहा हूँ और बोलता रहूंगा। आपने कांग्रेस में चार पीढ़ियों के साथ, गांधी परिवार की चार पीढ़ियों से आप मिले हैं, नेहरू जी से मिलने का आपको सौभाग्य मिला और इंदिरा जी ने आपको पहला टिकट दिया, राजीव जी ने आपको फिर से चुनाव लड़ाया, सोनिया जी ने फिर से टिकट दिया, राहुल जी के नेतृत्व में भी आज आप सक्रिय हैं। इतना लंबा राजनीतिक सफर और इतनी लोकप्रियता और जमीनी समझ और लोगों के साथ बने होने के बावजूद अगर आप कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य भी नहीं है, ये क्या संदेश है? पार्टी क्या संदेश दे रही है वंचित वर्ग में कि जो जनाधार वाले नेता है उनको हाशिए पर धकेल दिया जाए? मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता पार्टी क्या सोचती है। मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं उन लोगों का साथी हूँ जो नेहरू जी की भावना पर चलने वाले हैं, जो इंदिरा जी की भावना पर चलने वाले हैं, और राजीव जी के साथ काम किया है या उनकी भावना है वही भावना राहुल जी की, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, क्योंकि मेरे पास इससे ज्यादा ज्ञान ही नहीं है। राहुल जी के नेतृत्व से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एकदम, और मुझे जहां तक लगता है कि वो बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं,
पार्टी में वंचित वर्गों की भागीदारी की बात हो या और बहुत सारी चीजें हो, लगातार मेहनत कर रहे हैं काफी लंबे समय से, आपको क्या आशा लगती है? राहुल जी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कार्य रूप में प्रेरित करने वाले जो लोग हैं उनमें उनको अच्छे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। कास्ट के आधार पर नहीं, वंचित वर्ग के आधार पर नहीं। वो शेष हैं जो उच्च वर्ग के आदमी, वो भी वंचित वर्ग का ही सोचते हैं, ये सारी बातें वो सोच लेंगे, उस दिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मानता हूं आपने राहुल जी से मिलकर के इस बारे में बात की? नहीं, मैं राहुल जी से मिला हूं, मेरी जितनी बात हो सकती थी वही की, वो राय लेंगे तो लीडर है, लीडर को आगे की राय नहीं देनी चाहिए। मैं आगे की राय देने वाला नहीं हूँ, लीडर ने मुझसे राय मांगी तो हम सजेशन ही नहीं देंगे, वो सब करेंगे जो भी करना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आए, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं और ये वर्ग कांग्रेस से जुड़े इसके लिए आपके क्या सुझाव? देखिए, मैं आज भी हुए तो जिसकी निजी मांग, साधारण परिवार का आदमी हूँ, मेरा निजी मान राजस्थान के किसी दूसरे लीडर से कम नहीं चलता है। मैं मिनिमम एक साल में 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा चलता हूँ और शो नहीं करता हूँ, अखबारबाजी नहीं करता हूँ, राजस्थान में घूमता हूँ, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं और लोगों को जोड़ेंगे, जोड़ते रहेंगे। और जिस आधार पर मैं घूमता हूँ, जिसका संपर्क हुआ है, जो दुखी और पीड़ित लोग हैं, जैसे डिप्रेशन लोगों के सामने आ गई है, और जिससे भ्रष्टाचार हुआ है नोटबंदी के टाइम में, देश की शासकीय दल की पार्टी के बड़े नेता के कोऑपरेटिव बैंकों में टाइम के बाद में नोट जमा होना और निकलना, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार की आवश्यकता है। पूंजीपतियों के हाथ कंधे में रखवा करके प्रधानमंत्री चले, देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सब बातें धीरे धीरे आम जन में आम मतदाता में आती जा रही है। और ये सारी बातें मतदान के समय कार्य रूप में परिणित हो गई तो आपको रिजल्ट बहुत आश्चर्यजनक ढंग से मिलेंगे। और ये उम्मीद देश को है कि राजीव जी जैसी भावना लिए हुए राहुल गांधी को सहयोग किया जाना चाहिए, उनको सहयोग देंगे तो देश में अच्छा माहौल बनेगा और दुखी और पीड़ित वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण के काम ही नहीं होंगे। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो जजेस बैठेंगे जो उनके लिए केस ले देते हैं, तो सही केस लेते हैं। तो आपको लगता है कि राजस्थान में सरकार बदल रही है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है, आम कहीं भी पूछो आप, शहर की कुछ सुख सब छोड़ निश्चित आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मीना साहब, आपने बात किया और थैंक यू वेरी मच।